গীতু কি নিয়ে আরে টিউশন? Noun, verb, दोनों में करना है बट यू विल बी अंडरलाइन द नाउन एंड यू विल बी अंडरलाइन द वर्ब आफ्टर द रीड सेंटेंस ओके एंड अंडरस्टैंड द विच इज द नाउन एंड विच इज द वर्ब यू नो ना व्हाट इज द नाउन व्हाट इज द नाउन हाँ टेल मी व्हाट इज द नाउन आई हैव लर्न यू ना डेफिनेशन व्हाट इज द नाउन देन टेल मी व्हाट इज द नाउन Yes. Batao, what is the noun? I'm asking you, na. Kya hota hai noun? I'm just asking you in English, so I want to expect you give me answer in English also. Okay. So first of all, what is the noun? Ha. Yeah, I am speaking something to you now. Why you not speak to me? Get up. First you get up. Speak up. What is the noun? You don't know about the noun. Then how could you underline the noun? If you don't know about the noun, I have said you now. Ki learn the noun and I will take your test tomorrow. I have said you now. Then why you not did study? Right? When I am speaking English, understand my words and only on focus on my word what I am saying to you. Okay? So first of all, what I am saying to you, understand what I am saying to you. Samajh mein aa raha hai? So what is the noun? We don't speak about what is the noun. Pata nahi itne noun kya hota hai. Then how could you do? If you don't know about the noun, then how could you do this? Kaise karega fir ye agar tu nahi jante to noun? I will write your sentences and underline the noun. Sit and read your book also. इंग्लिश बुक रीड करो फटाफट से
कोणता करना है? कोई से पढ़ तू बना ले दो रोटी खाऊंगा। sometimes पढ़ना है तो underline करने तो बहुत मॉर्निंग होती है। आगे बढ़ने आए सब सही है तुम्हारे? हाँ क्या बस नाम है तुम्हें किसके घर में सबके क्यों आपने आज किसी और के पास गए थे मौसम के बारे में नाम ये तो नाम ही नहीं है मेरे पास इस बात नहीं हो
Thank you.
डांस होता भाई डांस चलो देखते हैं कौन सा टेस्ट है तुम्हारा।
वर्ड बोलूंगी ना इस वाले चैप्टर में से, वो लिख के दिखाएगा अगर मैं गूगल पे बोलूंगी कि खाना खाया मैंने। लिखो बाजार। बाजार जल्दी लिखो। लिखो खिलौना। लिख लिया नहीं। खिलौना लिख लिया नहीं। जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? हाँ लिख लिया। अब लिखो दरवाजा। दरवाजा लिखो अंदर। अंदर परेशानी। माँ
बात बात अकेले अब लिखो रेलगाड़ी रेलगाड़ी तैयारी तैयारी उपहार उपहार खुशी डिब्बा क्या डिब्बा अंदर अंदर
पैसा पैसा पैसा। अब तुझे इस चैप्टर की ये पता है ना, बहन का उपहार चैप्टर पढ़ा है तूने? अगर मैं पूछू राजू और पिंकी की माँ दरवाजे माँ ने दरवाजे क्यों खटखटाया? राजू और पिंकी की माँ ने दरवाजा क्यों खटखटाया? बताओ अच्छा। दोनों भाई बहन स्कूल से आने के बाद घर में अकेले क्यों रहते थे? उसकी माँ ने दरवाजे पर खटखटाया तभी उन्हें लड़ाई की आवाज़ सुनाई थी। उन्होंने देखा कि दोनों लड़ रहे थे। डांटते हुए बोली, तुम लोग हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं? मैं क्या करूँ? बाजार जाने के लिए दरवाजा खटखटाया था। दोनों भाई बहन स्कूल से आने के बाद अकेले क्यों रहते थे? अकेले लड़ाई करते थे। सच में? क्योंकि उनके मम्मी पापा नौकरी करते थे। मम्मी पापा नौकरी करते थे। मम्मी पापा माता पिता नौकरी करते थे। माता पिता दोनों नौकरी थे। माँ ने खिलौना रेलगाड़ी क्यों नहीं खरीदी? माँ ने खिलौना रेलगाड़ी क्यों नहीं खरीदी? मैं जी रेलगाड़ी की कीमत पता की पर उसकी कीमत ज्यादा क्यों नहीं खरीदी माँ ने रेलगाड़ी? क्योंकि उनकी कीमत बड़ी थी, ज्यादा थी। चलो इसका आंसर लिख के दिखाओ पहले मुझे, इसके इधर लिख के दिखाओ, इधर दूसरी आंसर आंसर लिखना है। मैं क्वेश्चन बोल दूंगी, सुनना है क्वेश्चन में क्या बोल। कौन सा वाला वर्ब? बी वी ई आर बी वर्ब। राजू और पिंकी की माँ ने दरवाजा क्यों खटखटाया? बाजार जाना था। राखी है नी? कहाँ पे जाना था? बाजार।
भाई बहन स्कूल से आने के बाद घर में अकेले क्यों रहते थे? दोनों भाई बहन घर से नहीं, क्योंकि उनके माता पिता नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी। क्योंकि उनके माता पिता नौकरी करते थे। माँ ने खिलौना रेलगाड़ी क्यों नहीं खरीदी? बताओ, उनकी माँ ने रेलगाड़ी क्यों नहीं खरीदी? मुझे पता है खुशी का क्या लिखा है ये उठ पटांग?
गलत है ये पूरा। क्योंकि तो पढ़ता नहीं है ना कुछ, इसीलिए सारे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक योर टेस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक है? प्लेस वैल्यू में जो मैंने अंडरलाइन कर दी यू विल राइट दैट वैल्यू वैल्यू। सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं। चलो प्लेस वैल्यू लिखती है इनकी सामने, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। प्लेस वैल्यू लिखो
गिरी कहीं तू गिर जाए मम्मी उठी उठी मत पलंग से लाओ ये पेन काम है ना अरे यार इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और इसमें वो लिखना है बस 9 tens आएगा 9 कितने पे है ये नहीं आएगा ये आएगा 5 है ना तो 5 आएगा इधर 5 ones 9 क्या है tens 7 क्या है ये 5 क्या है hundreds 9 क्या है tens 9 क्या है ones और इसको असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में
कर लिया ये, पिटेगा बहुत बुरी तरह, गलत करेगा तो। गर्म पानी किसने करा हुआ? बट लेकर आई हूँ कानून डालने के लिए, बट खत्म हो गए। मेरे को मिला ही नहीं, मैंने देखा था तुम वो वाले ही लकड़ी वाले सब्जी ओ दवाई लकड़ी वाले लेंगे, और वो मत लेंगे प्लास्टिक के ना, वो क्या वो जाते हैं क्या लेंगे? बटर कौन से बटर वो क्या क्या बोल रही है? रेडी थी दवाई कैसे करते सीखा है, ग्रेटर स्मॉलर बिफोर आफ्टर बिटवीन ग्रेटर स्मॉलर नंबर बिफोर आफ्टर बिटवीन even odd number even odd number these ye test rahega test will be tomorrow theek hai bhai kal aayega iska test so now you start abhi isko padho ye hote bhi karne ka sakte hain जो ये होते हैं ना खड़ी खड़ा तो ये क्या करवाई जल्दी कर असेंडिंग डिसेंडिंग ये होता है काम क्या है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर कि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा डिसेंडिंग में बड़े से तो असेंडिंग में सबसे छोटा कौन सा है?
सॉरी सबसे हाँ सबसे छोटा कौन सा ये पहले आएगा फिर इससे बड़ा कौन सा है सॉरी फिर ये आएगा ऐसे छोटा उससे बड़ा और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा उससे छोटा उससे दिखा दे पेंसिल करके दिखाती हूँ असेंडिंग में आएगा पहले सबसे छोटा उससे बड़ा कौन सा है उससे बड़ा सबसे अब डिसेंडिंग में आएगा सबसे बड़ा पहले सबसे बड़ा आएगा सबसे बड़ा है ये फिर उससे छोटा है ये सॉरी उससे छोटा है ये फिर सॉरी ये हो गया फिर ये फिर सारे ऑनलाइन कहाँ दे रही हूँ दिखाना ये क्या लिखा है वन डे क्या है ये क्या लिखा है इसमें थोड़ा मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेशन ढंग से नहीं लिखना है ठीक है रीड दिस पेन इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बनाए थैंक यू इंपॉर्टेंट लेटर का फॉर्मेट सही नहीं लिखा है ऐसे प्रिंसिपल स्कूल का नाम क्या है लिख के नहीं दिया मैंने लेटर पर ऐसा मारूंगी थप्पड़ मारूंगी पूरा लेटर लिख के दिया है कॉपी देगी भाई अपनी कॉपी लीव फॉर टू डे सिक लीव Today application. स्कूल का नाम सिर्फ विद्या भवन आता है कहाँ
यहाँ पे है वो लोधी, लोधी कॉलोनी में, लोधी रोड। छुट्टी लेते हैं ना तो हम एप्लीकेशन पहले देंगे, हमें कल परसों की छुट्टी लेनी है तो आज का डेट है, जिस दिन की छुट्टी लेोगे ना उस दिन की डेट डालने से 20 और तूने 19 को एप्लीकेशन दे दी और 20 और 22 की छुट्टी 21 की छुट्टी ले ली, 20 से लेके 21 तक, तो 20 और 21 से तुम्हें छुट्टी चाहिए और हमने एप्लीकेशन कब दे दी स्कूल में 19। फीवर की एप्लीकेशन तो हम बाद में देंगे ना, फीवर थोड़ी ना हमें पहले पता तो होता है। इक्कीस को तुझे फीवर, तूने 21 को ही एप्लीकेशन दी, 20 को ही फीवर आया तूने 20 को ही दे दी, 19 लिख देते, 19 को ही फीवर आया 19 को ही दे दी। 2 1 3 Can you grant me leave for this today? Thanks. Thanking you. Date क्या वो क्या है? जिस दिन वो देख दोगे ना application वहाँ पे date लिखना है. Date क्या है? 19 School में application होगी. Can you grant me name? उदय और नेम उदय और क्लास 15 क्लास 15 फिफ्थ ए और रोल नंबर 13 ठीक है। ये है सीक्रेट गेट गैराज होमवर्क में क्या लेगी, क्या लेगा एप्लीकेशन तो लेगी, लेगी टेस्ट कल ठीक है, और मैथ्स का भी मैं सरप्राइज टेस्ट ठीक है। सो आई गिव यू सम
तेरे को दे दिया होमवर्क, तेरे को दे दिया होमवर्क, चलो पैक योर बैग, मिल गया ना इसमें होमवर्क, मैथ्स का सारा होमवर्क का टेस्ट दूंगी तो मैं ऐसे करना ही असेंडिंग डिसेंडिंग Okay.